आज एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है और इसमें फिर से हमारे देश का एक जवान शहीद हो गया है। कश्मीर के उधमपुर में आज सीआरपीएफ पर आतंकवादियों ने हमला किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें एक सीआरपीएफ का अधिकारी शहीद हो गया है। आज रक्षाबंधन के दिन जहां पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा था, अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, वहीं इन जवानों पर आतंकियों ने हमला कर दिया और उधमपुर में एक सीआरपीएफ के जवान, एक अधिकारी सीआरपीएफ के शहीद हो गए हैं। आपको मैं इस पूरी घटना के बारे में बताता हूं। तो उधमपुर के बसंतगढ़ के दादू इलाके में तलाशी और घेराबंदी अभियान चल रहा था और इसी दौरान आतंकियों ने सीआरपीएफ की बटालियन पर हमला कर दिया और एक सीआरपीएफ के अधिकारी इस हमले में शहीद हो गए हैं। उनका पूरा परिवार आज रक्षाबंधन में खुशियाँ मना रहा था और शाम होते होते पूरे परिवार में मातम छा गया है। ये खबर जो भी सुन रहा है वो बिल्कुल भावुक हो जा रहा है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन था, बड़ा दिन था, त्यौहार का दिन था और ऐसे में आतंकियों की कायराना हरकत, लगातार आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं, जम्मू में हो रहे हैं। दो दिन पहले, करीब तीन दिन पहले डोडा इलाके में जब हमला हुआ था तो कैप्टन दीपक शहीद हुए थे देहरादून के, उसके बाद अब सीआरपीएफ के ये अधिकारी जो हैं ये शहीद हुए हैं। इसके बारे में बताता हूँ। ये एक आतंकवादी हमला था जो सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर किया गया। इससे पहले आपको पुलवामा हमला भी याद होगा जब सीआरपीएफ के जवानों पर बड़ा हमला हुआ था और इसी तरीके से आज भी कोशिश थी कि बड़ा हमला करने की, लेकिन आतंकी नाकामयाब हुए। सीआरपीएफ के टुकड़ी ने करारा जवाब दिया, लेकिन उसमें एक हमारे देश के जवान, हमारे देश के वीर जवान ने अपना बलिदान दे दिया है। पूरा देश भावुक है। ये आपको बता दूं कि ये जो था सीआरपीएफ की 187 बटालियन की पेट्रोलिंग टीम थी जो आतंकियों की लगातार तलाश कर रही थी और इन पर ही आतंकियों ने भारी गोलीबारी की है उधमपुर में, कश्मीर का उधमपुर इलाके में ये हुआ है। और इसमें सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर थे जिनका नाम कुलदीप था और कुलदीप, यहाँ पर इंस्पेक्टर कुलदीप शहीद हुए हैं इस आतंकवादी हमले में। आपको बता दूं कि वो जैसे ही उन्हें गोली लगी तो फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। इंस्पेक्टर कुलदीप ने शहादत दे दी है इस देश के लिए रक्षाबंधन के दिन। कई उम्मीदें, कई परिवार की, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, परिवार आज खुशियाँ मना रहा था उस दिन। इंस्पेक्टर कुलदीप शहीद हो गए हैं इस देश के लिए। और ये जो उधमपुर में आतंकवादी हमला था, ये सीआरपीएफ की बटालियन 187 बटालियन पर ये हमला हुआ है। इस हमले पर जो भी खबर आएगी, सेना का जो भी ऑपरेशन चलेगा, उसकी खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया.com।